कोहबर में है ना। अब दुल्हा सरकार कोहबर के द्वार पे लेकर के सखियां जाती हैं। इधर मेरे प्रभु गए तब तक एक सखी दौड़ती हुई गई और राम जी को खड़ा करवा देती है, कहती है नाना जीजा जी अभी आप कोहबर में अंदर प्रवेश मत करिए। उन्होंने कहा क्यों, तो रुक जाइए। एक सखी दौड़ती हुई गई और सीता मैया के चरण पादुका को लेकर के आती है कपड़े से ढक करके और क्या कहती है, मेरी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं। पहले दामाद लोग यहाँ प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद अंदर प्रवेश मिलेगा, ये हमारी कुल देवी हैं। पहले जीजा जी आप इन्हें प्रणाम करिए, उसके बाद अंदर जाने को मिलेगा। और मेरे प्रभु सीधे साधे बिचारे अब जैसे ही प्रणाम करने ही जा रहे थे तब तक लखन भैया ने कहा नाना भैया प्रणाम मत करना, ये ससुराल है, ये देखो सालियां बहुत चतुर होती हैं, ये ससुराल है, ससुराल की सालियां बड़ी चतुर होती हैं, आप प्रणाम मत करना, आप जरा किनारे चलो मैं संभालता हूं इन्हें। लखन भैया मेरे प्रभु को साइड में कर दिए। उन्होंने कहा अच्छा आप कहते हैं कि ये हमारे कुल देवी हैं, प्रणाम कीजिए, हमें तो प्रणाम करना आता ही नहीं है कि कैसे किया जाता है, जरा आप एक बार प्रणाम करके दिखाओ, बताओ कि कैसे प्रणाम किया जाता है, तो फिर हम लोग प्रणाम करते हैं। जैसे ही लखन भैया कहते हैं सखी शर्मा जाती है, शर्मा के पास जाती है, तब तक दूसरी सखी कहती है ये सखी पता अयोध्या के जो राजा है ना उनके चाचा पुत्र हैं, दो सांवले दो गोरे चार हैं। तीसरी सखी कहती है सखी पता जो अयोध्या के महाराज हैं उनके जो पुत्र यही दुल्हे सरकार चारों जो है ना, ये जो छोटा वाला है ना ये बड़ा तिरछी नजर मारता है। तीसरी सखी कहती है सखी, चौथी सखी कहती है सखी पता अयोध्या के राजा महाराजा ना तीन तीन शादी विवाह करते हैं, तीन दिन में हरिया रहती हैं। तब तक पांचवी सखी कहती है ए सखी पता अयोध्या की माताएं हैं ना, जब अयोध्या की माताएं खीर खाती हैं ना तो वो पुत्र को जन्म देती हैं। सखी ने कहा अयोध्या जी माताएं जब खीर खाती हैं तो पुत्र को जन्म देती हैं, तो हमारे लखन भैया को बड़ा जोर से क्रोध आया और बहुत जोर से क्रोध में आकर के उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हमारी अयोध्या की माताएं तो खीर खाती हैं तो पुत्र को जन्म देती हैं, और तुम्हारे जनकपुर में क्या होता है, तुम्हारे जनकपुर में, तुम्हारे मिथिला में क्या होता है, तुम्हारे मिथिला में तो ना ही बाप की आवश्यकता होती है और ना ही माँ की आवश्यकता होती है, वहां पर तो धरती फाड़ फाड़ के लड़कियां स्वयं ही जन्म ले लेती हैं। जैसे ही मेरे प्रभु कहे सखी शर्मा करके बाहर जाती है। बहुत लंबे समय तक संवाद चलता रहा लखन भैया के साथ, समय कैसे बीत गए कुछ पता नहीं चला। आज कोहबर में प्रवेश करते हैं, रस्में निभाई जाती हैं और आज बाई को यही विराम आरती, और देखिए शाम को आज बड़ा ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर है।